साईं का हुक्म सर्वोपरि। साईं के परम भक्त हों या शिरडी ग्राम के लोग, सभी के लिए साईं का हुक्म सर्वोपरि था। वे साईं से पूछते, क्या करना है? जाने की आज्ञा होती तभी वे शिरडी से कहीं अन्यत्र जाते। तो आइए, साईं का हुक्म सर्वोपरि है, इसका गायन और पारायण करते हैं। परम भक्त थी साईं की निमोण करके नार, आई सेवा भाव से सदगुरु साईं द्वार। कुछ दिन तक उसने किया साईं धाम में वास, साईं कृपा से भरा मन मानस उल्लास। खबर मिली एक दिन उसे बेटा है बीमार, बेलापुर में चल रहा आवश्यक उपचार। पुत्र रत्न के मोह का उभरा तान वितान, अब वह करना चाहती बेलापुर प्रस्थान। आते रहते है सदा ऐसे ही संघर्ष, संघर्षों में दिखता जीवन का उत्कर्ष। साईं सन्निधि चाहती मोह खींचता डोर, मुश्किल बेला सामने जाए वह किस ओर। दूजे दिन था पड़ रहा पोला का त्योहार, जिसे मनाना चाहती बेलापुर में नार। उसके अगले दिन पड़ी अमावसी पंचांग, यात्रा बाधक जो करे और खींचती टांग। बोले उसे निमोण कर करो आज प्रस्थान, अगले दिन तुम लौटना वापस इस स्थान। निर्णय कुछ ना कर सकी निमोण कर किनार, पति संगाई पूछने साईं के दरबार। बाबा बोले प्रेम से जा बेलापुर आज, जीवन में व्यवहार का आवश्यक यह काज। खुशी खुशी जाओ वहां रहना दिन दो चार, हो जाएगा ठीक सब फिर आना इस द्वार। ज्ञात कराया साईं ने दायित्वों का भार, पति पत्नी ने हर्ष से किया हुकुम स्वीकार। सर आंखों पर रख सदा साईं का देश, जन जन के कल्याण का उसमें है निर्देश। शिरडी नगरी धन्य है धन्य वहाँ के लोग, साईं आज्ञा मानते बनता उत्तम योग। साईं आज्ञा मानते बनता उत्तम योग, बनता उत्तम योग।